नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आया हूँ। बात करते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और उन्हें कई तरह के और भी तरह के गिफ्ट्स दिए जाते हैं। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। स्कूल में टीचर्स डे पर खास प्रोग्राम भी होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन टीचर्स डे भी मनाया जाता है। वैसे दोस्तों, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को होता है, लेकिन भारत में टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार उनके कुछ विद्यार्थियों और दोस्तों ने उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का मन बनाया। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, मुझे गर्व महसूस होगा। इसलिए 5 सितंबर को भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वो एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। बता दें कि ज्यादातर देश अपने यहाँ अलग अलग डेट में टीचर्स डे मनाते हैं। चीन में शिक्षक दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अमेरिका में मई के पहले सप्ताह के मंगलवार को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। थाईलैंड में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है। भूटान में 2 मई को, तो ब्राज़ील में 15 अक्टूबर को, कनाडा में 5 अक्टूबर, यूनान में 30 जनवरी, मैक्सिको में 15 मई और पैराग्वे में 30 अप्रैल, श्रीलंका में 6 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जानकारी